राइगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी में खड़े हैं, जहां लगातार तीन दिनों से करीब हजारों टन मछलियां यहां पे मरी हुई पड़ी हैं और पूरा नदी प्रदूषित हो गया है। केलो नदी का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि यहां रायगढ़ से लेकर तमनार तक करीब 55 यहां पे स्पंज आयरन और कोल ब्लॉक के जो गंदे पानी लगातार कंपनी के द्वारा छोड़ा जा रहा है, इससे पूरी तरीके से नदी प्रदूषित हो गई है और आसपास के करीब 250 गांव के लोग केलो नदी के ऊपर आश्रित होते हैं। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी किस्म की कोई यहां पे न तो निस्तारी किया जा रहा है और न ही यहां पे मरे हुए मछलियों की सफाई का यहां पे काम किया जा रहा है, जो कभी भी महामारी का रोग हो सकता है। मैं सविता और यह है मेरा समुदाय। मेरा नाम बजरंग साहू है और मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। ये केलो महतारी, ये नदी हमारे सभी लोगों का निस्तार है जी, जिसमें औद्योगिक ने कचरा और जहरीला केमिकल छोड़ा है, जिससे पूरे मछलियाँ मर गई हैं और ये लगातार तीन दिन से हो रहा है। केमिकल टाइप से लग रहा है एकदम पानी, और खुजला भी रहा है पानी इसमें नहाने से। सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ जिले की और ख़ासतौर से रायगढ़ शहर के लिए जीवनदायिनी के रूप में केलो नदी है, और विगत 4-5 वर्षों से जिस तरह से रायगढ़ जिले के अंदर औद्योगिकरण हुआ है, कंटिन्यू हर साल ऐसा होता है कि व्यापक पैमाने पर जब उद्योगों के गंदे पानी केलो नदी में छोड़े जाते हैं, जिससे हैवी वेट चाहे आयरन हो, कोयले का चूरा हो, गंदगी इस नदी में आती है, उससे व्यापक पैमाने पर मछलियाँ मरती हैं। रही बात इसके निस्तार की, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्यापक पैमाने पर केलो नदी पर मछलियां मरी हैं और मरने से वो पानी निस्तार के काबिल बिल्कुल नहीं है, जो कि इस पानी का पूरे रायगढ़ शहर का नगर निगम जो है वो पेय जल के रूप में उसको उपयोग करने के लिए देता है। यहाँ पे प्रमाणिक तौर पे मछलियों के विशेषज्ञों के द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि केलो का नदी का पानी जो है वो व्यापक पैमाने पे प्रदूषित हो गया है, जहरीला हो गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला कलेक्टर श्री अमित कटारिया का फोन नंबर दे रही हूँ, 9425808036। मैं सविता, रायगढ़, छत्तीसगढ़, इंडिया ऑन हट के लिए।